हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? फेनुग्रीक यानी मेथी बालों के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन और निकोटिनिक एसिड, जो बालों को झड़ने से रोकता है और डैंड्रफ से भी बचाता है। साथ ही मेथी से बाल थिक भी होते हैं और मॉइस्चराइज भी रहते हैं। मेथी को हेयर मास्क, शैम्पू और तेल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आज इस वीडियो में कोल्ड प्रेस मेथी ऑयल बना रहे हैं। यह ऑयल बहुत ही लाइट है, इसे रेगुलर ऑयल की तरह यूज़ किया जा सकता है। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऑयल को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मेथी के बीज, जो कि इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट्स है, और हमें साथ में चाहिए एक बड़ा सा एलोवेरा लीव्स। एलोवेरा इस रेसिपी का सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है। एलोवेरा में भी बहुत से फ़ायदे होते हैं बालों की ग्रोथ के लिए। एलोवेरा डैंड्रफ दूर करता है, स्कैल्प को मॉइस्चराइज करता है, साथ ही बालों की ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। तो इस तरह का एक बड़ा लीव्स हमें चाहिए। अगर आपके पास इस तरह का लीव्स नहीं है तो आप एलोवेरा जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हमें एलोवेरा लीव्स का एक साइड का पार्ट थोड़ा सा कट कर लेना है। इसमें थोड़ा से कांटे होते हैं जिसे हमें हटा लेना होता है। उसके बाद हमें इसे बीच में से चीरा लगाना है। ध्यान रखें कि दूसरा साइड ना कट जाए। एलोवेरा के लीव्स को कट करने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखता है। ये बहुत ही सावधानी से करना है ताकि दूसरा सिरा ना कट जाए। अब मैंने यहाँ पे एक चम्मच मेथी के बीज लिए हैं, उसे इस लीव्स के अंदर अच्छे से भर देना है। ध्यान रखें कि ज़्यादा बीज नहीं भरना है। ज़्यादा बीज भरने से बीज स्प्राउट में नहीं बदलेंगे और ख़राब हो जाएंगे। और यदि आप एलोवेरा जूस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एलोवेरा जूस में मेथी के बीजों को 24 घंटे के लिए भिगोया जा सकता है। इससे ज़्यादा एलोवेरा जूस में रखने से मेथी के बीज खराब हो सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिया है एक पॉली बैग, जिसमें एलोवेरा को अच्छे से मोड़कर बांध देंगे और छोड़ देंगे 48 आवर्स के लिए। ऐसा करने से मेथी के बीज स्प्राउट में बदल जाएंगे, जिससे मेथी के गुण दोगुने हो जाएंगे, साथ में एलोवेरा के गुण भी आ जाएंगे। 48 आवर्स हो चुके हैं, चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं ये मेथी के बीज किस तरह बदल गए हैं। देखिए 48 आवर्स के बाद कितने सुंदर स्प्राउट बन गए हैं। मेथी के बीज एलोवेरा जल को सोख कर लिया है और स्प्राउट में बदल गए हैं। बहुत ही सुंदर स्प्राउट है। अब हमें इसे प्लेट में निकाल लेना है, धीरे धीरे से निकालना है और इसे ऐसे ही खुली हवा में छोड़ देना है कुछ घंटों के लिए, ताकि इसमें जो मॉइस्चर आ गया है ऊपर से, वो मॉइस्चर थोड़ा सा ड्राई हो सके। ऐसा नहीं करने पर जब हम इसे तेल में डालेंगे या जो भी आगे का प्रोसेस है उसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो चलिए इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही सूखने के लिए छोड़ देते हैं। देखिए एक घंटे तक खुली हवा में मैंने इसे छोड़ दिया था, ऐसे ही रूम में ही, तो ये बहुत अच्छे से ऊपर से ड्राई हो गए हैं। ध्यान रखें कि इसे डायरेक्टली सनलाइट में नहीं रखना है, ऐसा करने से इसके गुण कम हो जाएंगे। अब हमें इसे मेजर कर लेना है। मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप इस तरह के हर्ब से ऑयल बनाएं तो हमेशा ध्यान रखें कि 1:5 का रेशियो होना चाहिए। तो चलिए जल्दी से हम इसे मेजर कर लेते हैं। यहाँ मेरे पास लगभग 2 टेबलस्पून मेथी के बीज हैं, जो मैंने एलोवेरा में स्प्राउट बनाया था वो मैंने ले लिया है। अब जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इस तरह के इन्फ्यूज़ ऑयल में हमेशा हर्ब्स और ऑयल का जो रेशियो है वो 1:5 होना चाहिए, तो हमें इस हिसाब से 10 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल ले लेना है। मैंने यहाँ पे सिर्फ कोकोनट ऑयल लिया है, आप चाहें तो इसमें ऑलिव ऑयल और आमंड ऑयल ले सकते हैं, पर ध्यान रखें कि रेशियो में कमी नहीं आना चाहिए। आप रेशियो को बढ़ा सकते हैं, मतलब 1:6 भी कर सकते हैं, पर इसे 1:4 मत कीजिएगा। तो चलिए जल्दी से हम इसमें 10 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल मिला लेते हैं। अब इस ऑयल को बनाने का 2 तरीका है। पहला तरीका डबल बॉयलर प्रोसेस। अब हम इसे डबल बॉयलर प्रोसेस में 15 से 20 मिनट के लिए हीट करेंगे। ऐसा करने से ऑयल बहुत ज़्यादा हीट नहीं होता है, तो इसकी क्वालिटी में कोई कमी नहीं आती है। 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं
मेथी के बीजों के कलर में थोड़ा सा चेंजेस आया है। दोस्तों इस ऑयल के कलर में कोई बदलाव नहीं आता है, बस इसमें एक मेथी की खुशबू आ जाती है। देखिए 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे उतार के ठंडा कर लेंगे। इसे ठंडा करने के बाद मैंने कपड़े की मदद से छान लिया है। देखिए ऑयल के कलर में कोई बदलाव नहीं आया है, पर इसमें एक बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये ऑयल बहुत ही लाइट है, रेगुलरली इस ऑयल को स्कैल्प में मसाज किया जा सकता है। इसे स्कैल्प में मसाज करने से हेयर ग्रोथ बढ़ सकती है और साथ में हेयर फॉल में बहुत ज़्यादा कमी आपको नज़र आ सकती है, तो इसे अपने स्कैल्प में रेगुलरली मसाज कर सकते हैं। अब हम इसे किसी ग्लास बॉटल में स्टोर कर लेंगे। इस ऑयल को बनाने का दूसरा तरीका, जिसमें इस तरह के ग्लास जार में आप ऑयल और मेथी के बीज को डालकर 2 हफ्तों के लिए इनडायरेक्टली सनलाइट में छोड़ देना है। ऐसा करने से भी ये ऑयल बनके तैयार हो जाएगा। ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, इसलिए मैंने इसे शॉर्ट में बताया। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।